कोर्ट में केस करेंगे, आपको चौकी आना पड़ेगा, फलाने ढिमकाना, डरो मत, बोलो जो उखाड़ना उखाड़ ले, जो उखाड़ना उखाड़ ले, हम नहीं पेमेंट करेंगे। अगर आपको सुकून की नींद सोनी है तो बस एक छोटा सा काम करना, ठीक है दोस्तों? समझ नहीं आ रहा है मैं कहां से स्टार्ट करूं, इतने मैसेज, इतने कमेंट, इतने कॉल की क्या ही बोलूं, आए दिन लोगों के साथ फ्रॉड होते जा रहा है, होते जा रहा है। सो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपने गलती से भी लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, या तो फिर उन्होंने लोन रीपे करने के बाद आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया है, या तो वह लोग आपको गंदी गंदी फोटो वीडियो बना के भेज रहे, आपके मम्मी पापा फैमिली वालों को टॉर्चर कर रहे, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो आपको कैसे बचना है, वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको एक भी रुपया पेमेंट नहीं करना है, आप रात भर चैन के आराम सोएंगे वीडियो कंप्लीट देखने के बाद। दोस्तों मैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहां पर हूं कि मैं कहां से स्टार्ट करूं। आप लोग इतनी बड़ी बड़ी गलती कर देती है, मतलब छोटी सी गलती और आपके लिए सुसाइड तक का रास्ता निकाल देती है, तो हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? वीडियो को कंप्लीट देखना, अगर टाइम नहीं है तो वीडियो को बाद में देखना, बट कंप्लीट देखना या तो डाउनलोड करके रख लो। सबसे पहले हम आपको एक भाई का छोटा सा आइडियो आपको सुनाते हैं। लोन के चक्कर में 10,000 रुपए लोन लिया, लोन के चक्कर में 1,50,000 रुपए भरा, गाड़ी तक बेच दी भाई ने, ठीक है? पहले आप यह आइडियो सुनो। यहाँ सर, ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट पे गंदे गंदे मैसेजेस भेज रहे हैं, घर आने की धमकी दे रहे हैं, पुलिस भेजने की धमकी दे रहे हैं। सर प्लीज हेल्प मी सर, बताइए तो सही, करूँ तो क्या करूँ सर, बहुत परेशान हो चुका हूँ सर इन लोगों से, जीने ही हराम कर दिया, ऐसा लग रहा है मर जाऊँ। देखो ऐसा लग रहा है मर जाओ, पुलिस भेजने की धमकी दे रहे, घर आने की धमकी दे रहे, तो टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, इनके अंदर औकात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। दूसरा आइडियो सुनो, लिंक्स भेज रहे हैं, यूपीआई आईडी भेज रहे हैं, केस पे 2,00,000 रुपए पेमेंट करो, इस पे 1,00,000 रुपए पेमेंट करो। सर एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने मजबूरी में इनसे कुछ पैसे ले लिए थे सर, उसके बाद मैंने चुका भी दिए थे, लेकिन सर ये इन्होंने ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट में ट्रांजेक्शन किए, खुद ही ट्रांजेक्शन किए, और सर उसको बढ़ा बढ़ा के इन्होंने इतना कर दिया है सर, मैं अपनी गाड़ी बेच चुका हूँ इनको पैसे देने के चक्कर में, 1 से 1.5 लाख रुपए मैं इनको दे चुका हूँ सर, अब मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं बची सर देने की, पिछले 6-7 महीने से मैं इनको सिर्फ पैसा ही दे रहा हूँ सर, मैं पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका हूँ, डिप्रेशन में जा चुका हूँ, बहुत परेशान हो चुका हूँ सर, डिप्रेशन में जा चुका हूँ, लाखों तक पेमेंट। अभी दो आइडियो और इनका सुनिए। ₹1,00,000 इनसे लोन लिया था, ठीक है, जो मैंने चुका दिया था सर, 10,000 रुपए इनसे लोन लिया था, 10,000 जो मैंने चुका दिया था, उसके बाद मैंने एप्स कर दिए थे वो अनइंस्टॉल, ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने मुझे रीपेमेंट किया किसी कुछ 15,000 के लगभग का इन्होंने किया, और मेरे पास आए थे 9,000 के समथिंग कुछ तो भी। जैसा कि मैंने आपसे बोला, ये लोग ऑटोमेटिक आप पेमेंट कर देंगे ना, ये लोग ऑटोमेटिक फिर पैसा डाल देंगे। 6 दिन बाद फिर इनके कॉल मैसेजेस आना शुरू हो गए थे मेरे पास, तो सर मतलब मैं फंसता चला गया सर, क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं, मैं इनको कहाँ से देता, मैंने जैसे तैसे सर दोस्तों से मांगे पैसे, मैंने इनको वो भी दे दिए, लेकिन ये खुद ही करते चले गए सर, और मैं इनको रिपेमेंट करता रहा, उसके बाद फिर सर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सर, करता तो मैं क्या करता, रिपेमेंट करते मेरी गाड़ी सब जा चुकी है सर, आज गिरवी रखी हुई है सर मेरी गाड़ी, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ इन 6-7 महीनों में, इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, खुद ही ट्रांजेक्शन कर देते हैं। सोचो गाड़ी गिरवी रखी हुई है, 1.5 लाख तक भाई ने पेमेंट कर दी। भाई गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, बारिश भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है, कोई नहीं आप वीडियो पर ध्यान दो। अब सर जब मेरे पास पैसे नहीं बचे इनको देने के लिए तो मैं क्या करता सर, फिर मैं दूसरे लोन ऐप से ऐप पैसे लिए इनको दिए सर, ऐसे करते 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 मतलब समझ रहे ना आप, एक चेन बन गई, तो करीबन 3 या 4 ऐप्स हो चुके हैं सर, और इतना परेशान कर दिया सर, मैं अब आपकी वीडियो देखी मैंने, मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, मोटिवेट हुआ, तो मैंने सोचा अब नहीं दूंगा इनको पेमेंट, ना मेरे पास है ना दूंगा इनको, जो करना है कर ले, लेकिन इतना परेशान कर रहे हैं सर कि अब समझ नहीं आ रहा सर, बिल्कुल सही, पानी मिल रहा है कि तू नहीं कुछ किया है, तू नहीं कुछ किया है, बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो दोस्तों आपने देखा, भाई ने मात्र 10,000 रुपए लोन लिए थे, 10,000 का इनको 1.5 लाख भरना पड़ा, और उसी लोन को चुकाने के लिए इन्होंने अलग लोन एप्लीकेशन से लोन लिया, मतलब इस तरह से एक चेन बन गई, इनकी गाड़ी तक चली गई, घर वालों की गालियां सुन रहे, अब यहां तक इनका मतलब कंडीशन हो गया कि सुसाइड करने का। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, 2022 में लोन एप्लीकेशन की वजह से 45 लोगों ने सुसाइड किया, ठीक है, वह लोग पागल थे यार, जिन्होंने सुसाइड किया वह लोग पागल थे, और 2023 में फिलहाल तो कम है, अभी मैंने जहां तक गूगल किया मुझे पता चला 10 से 12 बंदे हैं जिन्होंने सुसाइड किया हुआ है, 2023 की बात बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपको सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, जो लोग सुसाइड करते हैं लोग पागल होते हैं यार, मतलब दिमाग ही नहीं होता है, दिमाग से काम करो, लोन एप्लीकेशन वाले भी बच जाएंगे और आपके पास कॉल भी नहीं आएगा, मस्त चैन की नींद सोओगे।
भाई कई सारे लोग ऐसे, मेरे दोस्त कई सारे लोग ऐसे जो इस लोन एप्लीकेशन को चूतिया बना के अच्छा खासा पैसा 1-2 लाख ही अर्निंग करके बैठे हैं, ठीक है। तो वह चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा। सबसे पहली बात, अगर आप गलती से लोन एप्लीकेशन में फंस जाते हैं, देखो यह जो फ्रॉड करती है ना, वो 7 डे की लोन एप्लीकेशन होती है, 7 दिन वाली। आपको 5,000 का लोन देंगे, सुनो आपको पता नहीं रहेगा, अगर आप 5,000 का लोन लेते हैं आपको पता नहीं रहेगा। 5,000 के लोन में या आपको 2,200 रुपए आपके अकाउंट में डालेंगे, सीधी सीधी बात, डॉक्यूमेंट के नाम पे कुछ भी दे दो ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, कुछ भी दे दो एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के साथ साथ ये आपसे आपके कॉन्टेक्ट का परमिशन मांगेंगे, स्टोरेज का परमिशन मांगेंगे, जैसे आप देंगे आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट सारा नंबर ये अपने पास रख लेंगे, फोटो वीडियो अपने पास रख लेंगे, ठीक है। बस इनका यही हथियार है, यही हथियार ये लोग यूज करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो 5,000 में 2,200 देंगे, 2,800 रुपए जीएसटी वीएसटी सब मतलब लगा होगा कि यार चुतिया बना के 2,800 रुपए उड़ा देंगे। जब आप सुनेंगे तो बोलेंगे यार 2,800 रुपया, ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो 7 दिन का लोन दे, वो अभी 5वें दिन से कॉल आना स्टार्ट हो जाए और 5,000 के लोन में 2,200 रुपया दे, 2,800 रुपया जीएसटी, मतलब कौन सा लोन है यार। अगर ऐसा कोई लोन है तो समझ जाओ कि वह फेक है। और कंपनियां ना, जो एप्लीकेशन कंपनियां होती है, वह फेक रिकवरी एजेंट रखती है। जैसे अगर आप किसी कंपनी से 5,000 का लोन लेते हैं, ठीक है, 2,200 मिला आपको, उन्होंने 2,800 रुपया कटिंग कर लिया, फिर आपको 7 दिन बाद 5,000 पेमेंट करना है या फिर 7,000 पेमेंट करना है, जो भी है, तो वह लोग फेक रिकवरी एजेंट रखते हैं, उनको तो खुद काम करना नहीं है, फेक रिकवरी एजेंट रखेंगे। तो वह लोग आपको गलत तरीके से, कंपनी को चाहिए 5,000-7,000, वह लोग गलत तरीके से आपसे 10,000 ऐठेंगे, आपसे लेंगे तो 3,000 उनका बाकी कंपनी का। और यह जो लोन एप्लीकेशन होती है ना 7 डे वाली, आप देखेंगे पहले दिन प्ले स्टोर में रहेंगी, दूसरे दिन गायब। तो अगर गायब हो गई प्ले स्टोर से, समझ जाना कि वो फेक है, मतलब दम है ही नहीं उसके अंदर, आपको रिलैक्स हो जाना है। बस छोटी सी प्रॉब्लम है जो आपके साथ होती है और आप लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, पगला आ जाते हैं, यार हम ये कर देंगे वो कर देंगे क्या करें, होता है भाई होता है, ठीक है। वीडियो कंप्लीट देखो। देखो लीगल लोन एप्लीकेशन वह होती है जो आरबीआई से लोन लेके रखती है, ठीक है, आरबीआई से वह लीगल है। वह आपके पास अगर आप लोन सही समय पे नहीं चुकाते हैं तो 1-2 दिन का टाइम दे देंगी, पहली बात टाइम दे देंगी, आपको सही तरीके से, आपसे सही तरीके से बात करेंगी, गाली गलौज नहीं करेंगी, जो मतलब गंदे गंदे फोटो वीडियो भेजने की धमकी नहीं देंगी, आपसे सही तरीके से बात करेंगी। और वह लोग आपके घर पे पुलिस भी भेज सकते हैं, आपको कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है, लेकिन घबराओ मत, इतना बोल दिया, आपको पहले देखना है एप्लीकेशन कौन सी है, ठीक है, ट्रस्टेड है। अगर देखो जो बड़े बड़े स्टार जिन लोन एप्लीकेशन का प्रचार करते हैं वो ट्रस्टेड है, वहां पर आपको सारा डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट देना, उसके बाद में लोन अप्रूव होता है। इनकी तरह नहीं, बस आधार कार्ड पैन कार्ड दो, 5 मिनट में लोन आपके मतलब अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर 7 दिन से पहले आपको कॉल आना स्टार्ट हो गया, 5,000 में से 2,200 रुपया मिला और आपको गंदे गंदे फोटो वीडियो मैसेज भेजना स्टार्ट हो गया है या आ रहा है, तो समझ जाना हुआ फेक एप्लीकेशन है, ठीक है, फेक एप्लीकेशन है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी पिछली वीडियो का कमेंट सेक्शन चेक करेंगे ना, तो भैया इतने कमेंट, सर मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, फलाने ढिमकाना, ऐसी वैसी चीजें। तो देखो अगर फेक एप्लीकेशन है तो वह ना तो कोर्ट में केस कर सकती है आपके खिलाफ, ना तो आपके पास पुलिस भेज सकती है, बोलेंगे हम पुलिस भेजेंगे, कोर्ट में केस करेंगे, आपको चौकी आना पड़ेगा, फलाने ढिमकाना, डरो मत, बोलो जो उखाड़ना उखाड़ ले, जो उखाड़ना उखाड़ ले, हम नहीं पेमेंट करेंगे, बस आपको छोटा सा काम करना, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ना तो पुलिस भेजेंगे, ना तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कर सकते, बस एक छोटा सा हथियार वो लोग अपनाते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट का और फोटो का, बस यही है, बाकी उनके पास कुछ भी नहीं है। और जब आप जाएंगे पुलिस कंप्लेन करने ना, तो पुलिस वाले अधिकतर कंप्लेन लिखते ही नहीं, वो लोग बोलेंगे, कल मुझे एक लेडीज ने फोन किया था, वह बोल रही थी कि सर जैसे मैं गई कंप्लेन करने, चौकी में गई FIR करने, तो वह लोग कंप्लेन लिखे ही नहीं, बोले आप फेक एप्लीकेशन क्यों इंस्टॉल की। लेकिन दोस्तों कई ऐसी धाराएं हैं जिसके तहत पुलिस वाले को लिखना ही पड़ेगा, अगर आपको चूतिया बना दिया तो अलग बात है, लेकिन पुलिस वाले को लिखना ही पड़ेगा। अब पुलिस वाला है जैसा बोलेगा आपको सुनना पड़ेगा। तो अगर पुलिस वाला कंप्लेन नहीं लिखता है तो आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, पहली बात आप ऑनलाइन कंप्लेन करो। दूसरी बात, अगर फेक लोन वाला आपको परेशान कर रहा है, जीना आराम करके रखा है, तो आप उसका रिप्लाई दो ही मत, ठीक है, कॉल करता है कॉल मत उठाओ, कॉल ही मत उठाओ, व्हाट्सएप पे रिप्लाई मत दो, और जो एप्लीकेशन आप उसे अनइंस्टॉल कर दो। कई लोग बोलते हैं कि सर हमने तो सारा परमिशन दिया हुआ था, फिर एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया, फिर भी वो हमारे फोन को एक्सेस कर सकते हैं क्या? तो जहां तक मैं जानता हूं, मेरा एक टेक्निकल चैनल भी है, अगर आप किसी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर देते हैं तो आप परमिशन दे के रखो चाहे ना दे के रखो, वह
आपके फोन को एक्सेस नहीं कर सकता। जब तक आपके फोन में रहेगा, आपने परमिशन दे के रखा है, तब तक आपके फोन को एक्सेस करेगा। लेकिन जैसे आप परमिशन डिनाई कर देंगे, हटा देंगे, या फिर आप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देंगे, तो वह एक्सेस मतलब आपके फोन को एक्सेस करना बंद कर देगा। तो आप दूसरी बात अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है, एप्लीकेशन को लात मार के हटा दो, दूसरा काम करना है। तीसरा काम करना, अगर हद से ज्यादा हो गया, ठीक है, अगर आपको सुकून की नींद सोनी है तो बस एक छोटा सा काम करना, ठीक है। सबसे पहली बात, आपको पेमेंट नहीं करनी है। मैं एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा, पेमेंट मत करना। अगर आप पेमेंट करेंगे तो इस भाई की तरह आप भी बर्बाद हो जाएंगे, 10,000 की जगह 10 लाख पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, बोल देना भैया किसी दूसरे ने मेरा नंबर यूज किया, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं नहीं पेमेंट करने वाला, मैंने पेमेंट लिया ही नहीं, ठीक है, मेरा फोटो है ही नहीं, बस सिर्फ मेरा नंबर किसी ने यूज कर लिया। तो लास्ट काम आपको क्या करना, अगर आप सुकून की नींद सोना चाहते हैं, आपको अपने फैमिली वालों को समझाना, क्योंकि वह लोग आपके फैमिली वालों को ही टारगेट करेंगे। जब आप नंबर सेव करते हैं, माय सिस्टर, माय डैड, माय मॉम, माय लव, इस तरीके से आप सेव करते हैं, तो वह लोग उसी नंबर को टारगेट करेंगे, दोस्त यार को नहीं करेंगे, उसी नंबर को टारगेट करेंगे। तो आपको क्या करना, अपने फैमिली वालों को समझा देना है कि मेरा जो फोन है वह हैक हो चुका है, कोई बंदा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, या फिर ऐसी ऐसी ऐसा ऐसा कांड मेरे साथ हो गया है। बस आपको अपने व्हाट्सएप को और फोन को, जिस नंबर पे वो लोग कॉल कर रहे हैं, जो नंबर रजिस्टर्ड एप्लीकेशन में, उसे 15 से 1 महीने के लिए बंद कर देना, स्विच ऑफ कर देना, सारी प्रॉब्लम का हल आपके सामने आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप एक ऐसे बंदे नहीं हो, उनके पास लाखों कस्टमर, आपके जैसे लाखों लोग फंसे हैं, तो सब पे वो लोग ध्यान देते हैं, आप पे नहीं, कि नहीं भैया आपने नंबर बंद किया है तो आपके दोस्त के पास लगाएंगे या फिर किसी और के पास लगाएंगे, आपका नंबर लेंगे, ऐसा नहीं है। 2-4 बार ट्राई करेंगे, जब नंबर बंद आएगा तो वो लोग भूल जाएंगे धीरे धीरे, बस और कुछ भी नहीं, आप चैन की नींद, सुकून की नींद सोएंगे, ठीक है। अगर मैं अपने दोस्तों की बात करूं तो यार वो लोग तो लूट लेते हैं एप्लीकेशन को, इन एप्लीकेशन को इतना खतरनाक लूटते हैं ना कि क्या ही बोलूं। सोच रहा हूं मैं भी वीडियो बना दूं किस तरीके से आप भी लूटोगे, ठीक है, सालों की यार जिंदगी बर्बाद कर दो इनकी। तो कोई नहीं, अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करना, और डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं यार, प्रजापति भाई है ना, आप मेरे व्हाट्सएप या फिर मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, इंस्टा पे मेरा नंबर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे मैसेज कर देना, वैसे इतना काम कर देना आपका काम हो जाएगा, आपको कॉल करने की जरूरत ही नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।